उपमंडल करसोग के अग्रणी पंजाब नेशनल बैंक ने गुरुवार को समाज सेवा की भावना दिखाते हुए नागरिक चिकित्सालय करसोग तथा खंड विकास कार्यालय परिसर में पानी शुद्धिकरण यंत्र सहित वाटर कूलर स्थापित करते हुए आम जनता को समर्पित किए, जिसका उद्घाटन गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक के अंचल प्रबंधक डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा किया गया। इस मौके पर पीएनबी जिला मंडल प्रमुख केबी सिंह व स्थानीय शाखा प्रबंधक रंजीव कुमार सहित अन्य बैंक अधिकारी तथा आम लोग उपस्थित थे। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने इस दौरान बैंक द्वारा भूमिहीन किसानों के लिए भूमि खरीदने के लिए 20 लाख रुपए के ऋण की योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने दिव्य हिमाचल वेब टीवी को जानकारी देते हुए कहा, आज करसोग में अपने दौरे के दौरान हमने दो जो है वाटर कूलर का इनॉग्रेट एक अपने हॉस्पिटल्स में और एक बीडीओ ऑफिस में किया। तीसरा को गांव जहां कामाख्या देवी जी का मंदिर है वहां भी बहुत जल्दी एक और कूलर लगा रहे हैं, और को के जहां 8 पंचायतों का वहां पर लोगों को आना जाना है वहां पर एक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी हमने अपने हेड ऑफिस को रिकमेंड करेंगे, ताकि वहां आज हमने हॉस्पिटल में भी उनको जो 10 डस्टबिन जो हैं ताकि कूड़ा करकट ना बाहर को फेंके, उसके लिए भी हमने उनको बैंक की तरफ से प्रदान करेंगे। 10 गरीब बच्चों को हम आइडेंटिफाई करके उनको एजुकेशन लोन के प्रेरित करके यहाँ के लोग ताकि बच्चे आगे पढ़ सके ऐसा करें, और हम जो पीएनबी लाडली स्कीम के अंतर्गत 10 बच्चों को भी अडॉप्ट करेगा बैंक, जो बच्चों का पूरा खर्चा पढ़ाई का और उसका अकाउंट भी बैंक में खोला जाएगा, वो बैंक की तरफ से 12वीं तक उनको जो है कंटिन्यू करेंगे। ऐसा हम जो है पूरे देश में 10,000 बच्चों को हर साल अडॉप्ट करते हैं, और 10,000 बच्चों को जो है पूरा उनके पढ़ाई का खर्चा बैंक अपनी पीएनबी लाडली स्कीम के अंतर्गत करता है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।